तदाबीर क्या हो सकती है आपके लिए? इत्यादि तदाबीर ये हो सकती है कि लाठी उनके हेड पे या किसी ऐसे बॉडी पार्ट पे ना मारी जाए जिससे उसकी जो सीरियस भी उसको जो है वो आपने अपने एंटी राइट फोर्स जो आप किए हैं उसको पता है। इसके अलावा आपके देख इसके अलावा अगर हम वो रबर के बुलेट्स यूज करें तो वो भी किसी ऐसे बॉडी पार्ट में ना वो भी उसको पता है जो रबर वाली आपकी बुलेट कर फोर्स है वो भी उसको पता है। इसके अलावा बूढ़े और कमजोर लोगों का और बच्चों का वो लाठी वालों को भी पता है। वो भी कड़ी है एम्बुलेंस भी कड़ी और कुछ ये ठीक है तमाम पॉइंट ठीक है मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ ठीक है दो साल पहले प्रोटेस्ट हुआ तो उसमें बंदा भाग रहा था और कंस्ट्रक्शन हो रही थी गिरा और सनिया उसकी हुआ था ये धरना जब था ना दो तीन साल पाँच साल पहले की बात है तो वो भाग रहा था जी मेट्रो वाला तो उसके वो गिरा था इस्लाम आबाद तो वो रॉड उसके यहाँ आर पार हो गई तो उसकी डेथ हो गई। अगर आप लाठी चार्ज यूज़ कर रहे हैं तो आप एक उनके लिए एक जगह एग्जिट छोड़ें प्रेशर कहीं तो निकलना है सबको तो गिरफ्तार नहीं कर सकते तो अगर वो प्रेशर नहीं निकलता तो फिर नुकसान होगा। एक उनके भागने का जो रास्ता है वो ऐसा खतरनाक तो नहीं है क्योंकि इसमें बुजुर्ग भी है धक्के भी लगेंगे ये तो जुलूस में कोई पता नहीं है लाठी चार्ज शुरू होगी तो लोग भागना शुरू हो गए जाते हैं तो उसमें कुछ भी हो सकता है पहाड़ी है कोई गिर भी सकता है वगैरह वगैरह। ये एहतियाती तदाबीर लोकेशन की वो कहते नहीं है कि मैदान जंग आओ खुद ढूंढें लेकिन ख्याल करें कि अगला इतना नुकसान उससे ना हो कि बंदों की डेथ हो जाए। अगर डेथ हो गई तो फिर मामला फिर भी पुलिस को आए कि पुलिस की लाठी चार्ज की वजह से वो डेथ हो गई। ये नहीं कहेगा कि वो मेट्रो का गड्ढा बन रहा है जी उसमें वो गिर गया वो क्यों गिर गया यार लाठी मारी और उसका इल्जाम इसी पे लगाएंगे क्योंकि वो तो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट है गवर्नमेंट के साथ नहीं बन रही इसकी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये देहाती तदाबीर है ये। अच्छा स्टेट ऑफ इमरजेंसी किसे कहते हैं आपके जहन में क्या है? जब इमरजेंसी होती है इमरजेंसी नाफिज हो गई तो हम क्या समझते हैं क्या होगा? वैसी वैसी जब ये बात करूँ कहा जाता है ना जी इमरजेंसी नाफिज हो गई राइट्स जो है वो सुलभ हो जाते हैं।